तो ये लगी डोगरा फार्म पर्वत की बाइक और ये रहे हमारे भाई डोगरा फार्म पर्वत, आप सब जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग हमेशा इधर रॉक कर रहे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का यार ये सीन है, तो यार जम्मू में एक ग्रुप है जिसका नाम है सर्वाइवल हिल राइडर्स क्लब, वो राइडर्स का ग्रुप है, उसमें ज़्यादातर है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं। तो उसमें कुछ अपने बड़े भाई हैं, तो वो भी आज रियासी आ रहे हैं राइड पे, तो उन्हें जाना डगन टॉप वाली साइड, तो हम भी उनको ज्वाइन करके थोड़ा आगे तक चलेंगे उनके साथ। डगन टॉप तो नहीं जाएंगे बट उस थोड़ा आगे तक तो चलेंगे। तो बाइक लगी अपने नीचे, तो चलो पहनते हैं हेलमेट और फिर निकलते हैं, ठीक है? और ब्लॉग बड़ा सेक्सी होने वाला आज। तो चलो यार लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, भैया और आ भी गए हैं और मैं अभी तक घर से भी निकला, मैं सामान साइड करने में लगा हुआ था। चलो यार चलो निकलते हैं। और यार सच में अभी बाइकिंग फ्यूल अप भी करना है और राइड शायद दूर की है। तो अब शायद से एंगल ठीक आ रहा होगा, तो यार बट ये व्लॉग है, जल्दी जल्दी मैं निकल गया हूँ अभी। तो यार भी जो तो यहाँ ही साइड पे ही है और भैया लोग भी शायद से पहुँच ही गए हैं। तो यार बाइक में फ्यूल अप करना है, पहले फटाफट चल के फ्यूल डलवा देता हूँ और फिर जाता हूँ उनके पास, क्योंकि लेट बहुत बहुत सारा हो गया यार। और मुझे अभी कुछ नहीं पता ऑडियो क्वालिटी क्या आ रही है, क्या कुछ आ रहा है। चलो चलो चलो, तो भैया और बट अभी तक आए नहीं है यार। मैं वेट कर रहा था भैया और का, वो फ़ोन उठा रहे नहीं है। बलराम भैया और आ गए, आ गए आ गए, वो आ गए अपने भाई लोग। कहीं चले जाओ, हाँ इधर से बंद किया, नीचे चलो। तो आज चार ही बाइक सिंह के साथ जा रही हैं, तो ये जा रहे हैं डगन टॉप वाली साइड ट्रिप पे। ये आप शुभ मंदिर है, ये आप शुभ, चलो चलो वहीं चलो चलो। तो अभी चल रहे हैं गाइड भाई। यार एक चीज़ है, हिमालयन का फायदा देखो, बाइक कितनी ज़्यादा लोड की हुई है उन्होंने ना, हिमालयन पे आप जितनी ज़्यादा लोडिंग कर सकते हो आप पर डिपेंड, आप कितनी लोडिंग कर सकते हो, ओवर भी नहीं करनी क्योंकि बाइक चलाने में दिक्कत हो जाती है, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोडिंग हुई पड़ी है बाइक पे। अभी विजयपुर से होते हुए जाएंगे मारी वाली साइड, तो वहाँ से जो राइडर्स को लेना है साथ में उनको लेकर निकल पड़ेंगे। और सर जी सुनाओ, क्या हाल चाल है फिर आपके? ठीक ठाक। तो भाई देख लो हिमालयन को कितना ज़्यादा लोड कर सकते हो आप। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं विजयपुर। तो यहाँ से जो रास्ता जाता है ऊपर वाली साइड, ये जाता है अपना माड़ी वाली साइड, और बाकी अपना ये बैग है टोटल, इसको मैं भी यहाँ पे माउंट करूँगा। मैंने पहले जब सुबह बुलाया गया था तब मैंने इसको यहाँ पे माउंट किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से माउंट हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे कि भाई भाई टाइम बैक। हाँ देख लो BMW की GS भी रेडी है। हेलो भाई, हाँ जी सर, पहचाना नहीं? तू जा रहा है? ना ना मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ बस, थोड़ा आगे चलेंगे वहाँ से वापस। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं माड़ी, तो ऐसा कुछ यहाँ का लाइनअप है। तो यार मैं तो ज़्यादा दूर तक जाने वाला क्योंकि कुछ सीन है, वो अभी हमने कहीं और भी जाना है। तो ये लगी है डोगरा फार्म पर्वत की बाइक और ये रहे हमारे भाई डोगरा फार्म पर्वत, आप सब जानते हैं इनको। तो ये भाई की बाइक है मीटियोर, और एक BMW की GS खड़ी है 310, और रॉयल एनफील्ड एक है, एक मीटियोर वहाँ पे, एक हंटर और एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन और अपना स्प्लेंडर।
तो फाइनली दोस्तों अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, तो देख लो भाई ऐसा ही कुछ सिस्टम अभी का देख लो। मैंने आपको बताया था ना जो हमारा कार्नाडो का टर्टल जो बैग है इसी को एज ए टैंक बैग यूज़ कर लेंगे, तो ठीक है हमने कुछ ज़्यादा कुछ तो इसमें डालना है नहीं, तो जो कुछ भी डालना है वो तो उसमें है ही। ये देखो कंघी वगैरह, माइक और कुछ वायर्स वगैरह, माइक वगैरह सब कुछ इसी में है। इसकी जो क्वालिटी बहुत सॉलिड है यार। तो लो भाई निकल रहे हैं यहाँ से, तो टैंक बैग अपने सेट है, तो चल लो। तो अभी पूरे कॉन्वॉय में भी चलेंगे एक लाइन बना के, मज़ा आ जाएगा सच में आज। तो व्यू देख लो यार आज, भाई सबसे अच्छी बात ये है इन सबके लिए और हमारे लिए भी कि आज बारिश नहीं है, तो अगर आज बारिश होती ना तो राइड का प्लान ख़राब भी हो सकता था। तो यही सीन होता है यार, जब भी आदमी किसी भी राइड पे जाना तो पूरा देख के जाना, वेदर कंडीशन देख के अपनी पूरी तैयारियाँ करके। अब जैसे इन्होंने जान बगन टॉप, तो इन्होंने पूरे टैंक्स वगैरह अपने साथ कैरी किए हुए हैं, अब ये लोग निकलेंगे आगे आगे और मैं रहूँगा पीछे, क्योंकि भाई स्प्लेंडर बुलेट में यही फर्क आता है। मैंने पहले बुलेट लेके आना था बट तो मिला नहीं, क्या करता फिर। यही सीन है, और यहाँ पर शायद से नाका लगा हुआ है, हाँ बट हमको उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बोलेंगे भी क्यों भाई, हमने कौन से कुछ किया, हेलमेट वगैरह हमने डाली हुई है। चल और एक चीज़ है, जब आप किसी अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करते हो ना, तो जो ये सर्वाइवर हिल राइडर क्लब है ये एक रजिस्टर्ड ग्रुप है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ग्रुप है ये, उनके राइड पर स्पॉन्सर भी होती है क्लब पर। तो अगर किसी ऐसे ग्रुप के साथ राइड करो ना तो राइड करने का काफ़ी सारा मज़ा आता है। और सोचो कभी हम उनके साथ बगन टॉप जा रहे होते हैं तो भाई सोचो क्या मज़ा आता है यार। तो यार जल्दी मैं प्लान करूँगा, तो अब मैं थोड़ा करूँगा कैंपिंग का सामान भी लूँगा। आप सबसे पहले लेना है एक टेंट, टेंट और जो स्टोव हो मिनी स्टोव होता है, और यार यहाँ पर ना ठंड हो गई है। सीन सारा ये है कि यहाँ पर ठंड पड़ रही है, मेरे को भी थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, आपको शायद दिख रहा है नहीं, वो सभी लोग निकल चुके हैं आगे। तो हाँ भाई यार रिपब्लिक डे भी था, तो सब आप सभी को मिलते थे हैप्पी रिपब्लिक डे। तो यार अब जल्दी से प्लान करते हैं यार एक बाइक का। तो भाई यहाँ पर ना जब भी आपको ओवरटेक लेना तो हमेशा देख के लेना, ऐसे मत निकल जाना, क्योंकि भाई ये जो खाई है ना ये बहुत ज़्यादा डीप है, मेरा वाइजर भी थोड़ा गंदा हो रहा है यार अभी। तो मैं ब्रिज तक चलूँगा उनके साथ, वहाँ से फिर वापस से जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, सीन सारा ही है और कुछ नहीं। और भाई यार अब मुझे एक चीज़ लग रहा है कि जो मेरे माइक हेलमेट है ना इसमें विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि विंड नॉइज़ इसलिए आ रही होगी यार जो मेरा माइक नहीं लगाया ना, इसमें थोड़े विंड नॉइज़ के इश्यूज़ हैं। बाइक थोड़ी दब रही है यहाँ पे आके, शायद से वो हवा बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ पे। एक पत्थर देखो, अब यहाँ तक अब ऐसे बीचों में पत्थर पड़ा है और कोई आकर यहाँ पे गिरे तो चलो क्या होगा उसका। तो अच्छा किया मैं स्प्लेंडर लेकर इनके साथ दबंदा नहीं गया, अगर गया तो ना भाई इन्होंने आगे निकल जाना था और मैं पीछे पीछे, अब मैं इस बाइक पर कितना ही लोड आ सकते हैं, ये भी सीन है ना। और यार व्यू देखो यार आप कैसा लग रहा ना, क्लीन। तो अभी ये डैम के पास, शुक्र है कहीं रुके तो है ना कम से कम ये। तो यहाँ पे ना डैम में दिखाता हूँ अभी आपको एक बारी, वो दिख रहा चाहते आपको, आपने देखा मेरे पहले भी एक ब्लॉग में आ गया डैम, तो चलो एक बार रुक के दिखाता हूँ। ब्लॉग में कहाँ देखा सच्ची आपने, मैंने तो ब्लॉग उस टाइम बनाया नहीं था। ये सलाल डैम और ये जो रोड है ये आगे जाता है सलाल वाली साइड,
जी सर क्या बन रहा है? ठंड काफी ज्यादा यार, अभी आगे आगे बहुत ज्यादा थोड़ी जगह है, नहीं उनको बता रहा हूँ। कब आए यार? जैसी में ना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बट यही बात है कि घर से निकलना पड़ता है, अब यही सारा सीन है और कुछ नहीं। तो यार अब ना हम डेली व्लॉग्स में घुस ही चुके हैं, तो अब इसको आगे तक लेके ही जाएंगे। तो सबसे पहला जो मेन मोटिव हमारा वो बाइक का, कोई सी भी मैं बाइक लूँगा अब, या तो एमटी और या रॉयल एनफील्ड में से कोई सी बाइक लूँगा। एमटी बाइक भी अच्छी है और जो हंटर है या मीटियर, इनमें से कोई एक अच्छी सी बाइक लेंगे, ठीक है। और फिर अपना जो सेटअप है, हमारी जो वीडियो सेटअप है उसको अपग्रेड करेंगे। और जैसे अभी मैं फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे एक आईफोन और एक लैपटॉप एडिटिंग के लिए और एक गोप्रो